चलो, डर क्यों रहे? पता है ये तुम्हारे लिए है दोस्तों। अरे इसमें लिखा है आप सब सुनियो की पार्टी में जरूर आइएगा। ये इसकी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है। अच्छा तो तुम्हारा बर्थडे आने वाला है? अरे वाह सुनियो, क्या ये बात सच है? शिजुका ने बिल्कुल सही कहा है। और पता है इस बार मेरे बर्थडे पर तुम्हें ऐसी चीजें खाने को मिलेंगी जो पहले कभी नहीं खाई होंगी। अरे मेरे मुंह में तो पानी आ गया, मैं पक्का आऊंगा। हाँ हाँ जरूर आना। और हाँ बिना गिफ्ट्स लिए मत आना। सुनियो की बर्थडे पार्टी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने उसे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। नोबिता मैं खुश नहीं हूँ, मैं इस बार नहीं जाना चाहता था। लेकिन ऐसा क्यों? बर्थडे पार्टी में तोहफा ले जाना पड़ता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लेकर जाऊं। मैं अब क्या करूंगा डोरेमोन? तुम चाहे कुछ भी दो लेकिन बस खुशी से दो नोबिता। तुम समझ नहीं रहे हो डोरेमोन। ये छोटा है पर अच्छा है। तुम्हारा शुक्रिया नोबिता। ये मेरा सबसे फेवरेट खिलौना है, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा सुनियो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। फिर तो मैं इसे सजा कर रखूंगा। बताओ अपने कलेक्शन में उसे कहाँ रखूँ? यहाँ रखता हूँ। समझ नहीं आ रहा मैं उसे क्या दूँ। तुम्हारा बर्थडे होता तो तुम क्या मांगते? मुझे एक नई गेम चाहिए डोरेमोन। मैं सारी की सारी नई गेम्स खेल चुका हूँ, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? एक घड़ी कैसी रहेगी? ये देखो मेरी कमाल की घड़ी। तो कॉमिक बुक्स कैसी रहेंगी? यहाँ पर दुनिया की सारी कॉमिक बुक्स मौजूद है नोबिता। गुड़िया का सेट? क्या कहा तुमने नोबिता, गुड़िया का सेट? क्या सुनियो को वो चाहिए? भला मुझे गुड़िया का सेट क्यों चाहिए? हमारे लिए शिजुका का फोन आया है। क्या अभी तक तुमने भी कुछ नहीं सोचा? हाँ मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा उसे किस तरह का गिफ्ट पसंद आएगा। काश हम ये पता लगा पाते शिजुका। हे देख के नहीं चल सकते? अरे ये तो सिर्फ एक खंभा है। नोबिता तो तुमने मुझे देख लिया, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जियान तुमने क्या तोहफा चुना है? क्या तोहफा? मैंने तो कुछ नहीं चुना अभी तक। तुम दोनों ने कुछ चुना क्या? अरे नहीं। साथ में ही हो। हाँ डोरेमोन प्लीज हमारी मदद करो ना, हम किसी भी तरह सोच नहीं पा रहे कि सुनियो को क्या गिफ्ट दें। इसकी वजह से मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही है। डोरेमोन हमारी मदद करो ना प्लीज डोरेमोन। ठीक है सुनियो से ही पूछ लेते हैं। सवालों वाली मशीन और बाल खींचने वाली। जियान जल्दी करो। कितनी प्यारी मछली थी वो। सिर्फ एक बाल से ही हमें पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और उससे हम किसी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। चलो अब सवाल पूछते हैं। तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? मुझे तोहफे में एक अपनी यॉट चाहिए, बहुत बड़ी वाली, और एक क्रू चाहिए जो मेरी सारी बातें माना करे, जिससे मैं जो कहूँ मेरा काम हो जाए। ये क्रू क्या होता है डोरेमोन? ऐसे लोग जो इसका हर काम करे। सुनो नोबिता, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी काम करो। कर रहा हूँ कैप्टन। सुनो जियान वक्त बर्बाद मत करो। जी अच्छा मैं करता हूँ। सुनियो बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा समझे तो। इसके अंदर से कैसे पिटाई कर सकते? और भी ऐसा है जो तुम्हें अपने बर्थडे पर चाहिए? कोई और चीज? ऐसी कोई भी चीज नहीं है क्योंकि सब चीजें मेरे पेरेंट्स दिला देते हैं। अगर ऐसा है दोस्तों तो हम सुनियो को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? शायद हम दिल से कुछ चीज देंगे तो उसे जरूर अच्छी लगेगी। नहीं नहीं कुछ नहीं कहो। तुम सबका स्वागत है दोस्तों। अच्छा हुआ कि तुम लोग सुनियो के बर्थडे पर आए। इधर आओ देखो तुम्हारे खाने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। चलो शुरू हो जाओ। शुरू करते हैं। सुनियो ये क्या है ये तो बताओ। ये दरअसल ये तो मैंने बाहर से मंगवाया है। मम्मा आप जाइए यहाँ से।
मैं अपने दोस्तों को सब कुछ खुद बता सकता हूँ। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू। देखो ये सारी डिशेज बहुत ही स्पेशल है, तो मजा लो। यहाँ पर जितनी भी डिशेज हैं बहुत ही खास हैं दोस्तों, जैसे कि ये जूस ही ले लो, इसे हमने फ्रांस से मंगाया है। सोनियो क्या मैं केक ले आऊँ बेटा? मैं अपने काम कर लूँगा। करते हैं। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों, तुम सब यहाँ पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना चाहो उतना खा सकते हो। मैं तो जमकर खाऊंगा। आप हाँ हाँ दोस्तों खूब खाओ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही बनवाया है मैंने, पेट भर के खाना। अरे हाँ याद आया, हमने तो सुनने को कोई गिफ्ट दिया ही नहीं। हे नोबिता, पहले तुम अपना गिफ्ट दो। पहले मैं? ये मेरी तरफ से है सुनियो, खास तुम्हारे लिए। शुक्रिया। इसके अंदर क्या है? ये क्या चीज है? ये एक पिगी बैंक है। मैं चाहता हूँ तुम इसमें पैसे जमा करके अपने लिए खूबसूरत सी बोट खरीदो। पर मेरे पास पहले ही एक बोट है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ दोस्तों। सुनियो तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मा जरा अभी आता हूँ। सुने कीची ने मेरे लिए ये मनी बॉक्स बनाया है, जरा इसको देखो कितना कमाल का है। 1700 रुपीज। ये अच्छी टेक्निक है। तुम्हारा मतलब टेक्नोलॉजी? क्यों दोस्तों, है ना कमाल की चीज। अच्छा अब अगला गिफ्ट मुझे कौन देने वाला है? सुनियो ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तुम्हारा शुक्रिया। अरे वाह, ये तो कुक्स है ना। क्या तुम कुकीज कहना चाहते हो? उनकी खुशबू तो लाजवाब है। क्या बात है, चलो तुम्हें पसंद तो आया। दरअसल आम तौर पर मैं जो कुकीज खाता हूँ वो बहुत महंगी आती हैं, और इस तरह की सस्ती कुकीज मुझे बहुत कम मिलती हैं खाने के लिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी वाली कुकीज खिला सकता हूँ। चलो अब अगला गिफ्ट खोलते हैं। ये रहा, ये है मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट, ठीक है? ये लो। ये कैसी टिकट है और इसका मैं करूँगा क्या? देखो जब भी मुझे तुम पर गुस्सा आया और मैं तुम्हें पीटने वाला होऊंगा, तुम मुझे ये टिकट दिखा सकते हो। इसको देखते ही मैं मुस्कुराने लगूंगा दोस्त। तो फिर क्या तुम मुझे? जी हाँ, तुम बहुत मोटे हो समझे। क्या कहा तुमने अभी? अरे वाह, ये तो काम कर रहा है। चलो और कोशिश करते हैं। देखते हैं अब क्या होगा। मैं वापस घर जा रहा हूँ समझे। शिकायत करने की बजाय तुम्हें पार्टी को एंजॉय करना चाहिए दोस्तों, सुनियो को अपने आप एहसास हो जाएगा। तो हमें भी तो बुरा लगा है। मुझे लगता है वो अकेलापन महसूस करता है। हाँ मुझे भी यही लगता है। वो तो अकेले ही अपनी बर्थडे पार्टी मना रहा होगा। सुनियो तो बहुत उदास लग रहा है। शायद उन सबको अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है, इसीलिए वो लोग यहाँ से चले गए। देखा तुमने, ये अभी भी हमारा ही मजाक उड़ा रहा है। मैं अब कभी सुनियो की पार्टी में नहीं जाऊँगा। मुझे उनके जाने से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पूरा मजा करने वाला हूँ। हैप्पी बर्थडे टू सुनियो। पता नहीं ये लोग अपने आप को समझते क्या है, अगर वो यहाँ पर होते तो उन्हें कितना मजा आता। सुनियो सच में बहुत उदास लग रहा है, चलो हम वापस चलें। लेकिन तुम जानती हो ना, हम वहाँ गए वो फिर हमारा मजाक उड़ाएगा। जियान ने सही कहा। फिर भी हम सब उसके दोस्त हैं ना। ठीक है, मैं वैसे भी बहुत भूखा हूँ अभी भी। तुम लोग वापस आ गए। हैप्पी बर्थडे। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ,
तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मुझे अपना एक सपना सच करना है। दरअसल जब तुम सब यहाँ से चले गए थे तो तुम सब के बिना मुझे बहुत बुरा लग रहा था, सच में। अब सुनियो को बुरा लग रहा है। अच्छा हुआ हम वापस आ गए। मेरा सपना ये है कि एक दिन मैं भी आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा सपना पूरा करोगे? ये सपना इसलिए क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हो, तो मैंने सोचा कि यही सपना सही रहेगा। डोरेमोन इसका सपना पूरा कर दो। डोरेमोन प्लीज मेरा सपना पूरा कर दो, प्लीज डोरेमोन कर दो ना। मैं तुम्हारा सपना पूरा करूँगा। इमेजिनेशन टेलीफोन बॉक्स। हुर्रे मेरा सपना सच हो जाएगा, मजा आएगा। सुनियो देखो कोई गड़बड़ मत करना। हाँ हाँ ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ छोड़कर कहीं और रहने के लिए जाना पड़ेगा। वो गैजेट काम कर रहा है। हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्दी से अपना सामान पैक करना होगा। अरे बाप क्या बात है। क्या इसके परिवार का सारा पैसा सच में खत्म हो गया है? हाँ जियान ये बिल्कुल सच है। और हाँ वैसे पता नहीं सुनियो रहेगा कहाँ। बिना पैसों के तो वो किसी होटल में भी नहीं रह सकता ना। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि सुनियो बिना पैसों के रह पाएगा। शिजुका वो सुनियो बेटा देखो देर मत करो। हाँ हाँ मम्मा आ गया मैं। तुम अपने साथ क्या ले जा रहे हो? ये मेरे गेम है और कुछ सीडीज है मम्मा। इन्हें यही छोड़ दो, इन्हें ले जाना बेकार है। अच्छा जल्दी से कार में। अरे वाह ये सामान कुछ ज्यादा ही हो गया। सुनिए मुझे बहुत ही अफसोस है कि ये सब इतनी अचानक हो गया, क्या करूं? देखो ऐसे समय में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, उदास मत हो। मामा देखिए मैं तैयार हो गया। ये ड्रेस तो दीजिए ना। देखो हमारे पास यहाँ बिजली नहीं है, अगर खाना खाना है तो तुम्हें पहले आग जलानी पड़ेगी। इसका इस्तेमाल करो, ये डैड ने आग जलाने के लिए बनाया है। अब से आग जलाना तुम्हारा काम है सुनियो, सही तरीके से करना। चलो मैं शिकार के लिए निकलता हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना ठीक है। खाने के लिए कुछ अच्छा लेकर आइएगा, हमें तुम्हारी मदद भी चाहिए होगी। अपना ध्यान रखिएगा। चलो अब तुम आग जलाने की कोशिश करो, मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ। भला इस चीज से कोई आग कैसे जला सकता है, कोशिश करके देखता हूँ। चल जा चल जा चल जा। मैं थक गया। मम्मा क्या हमारे पास लाइटर नहीं है? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं। लगता है इन्हें अच्छा लग रहा है। इसके साथ सही हुआ। आग जला ली है। शाबाश बेटा। ये देखिए। ये लीजिए। लगता है सुनियो को बहुत अच्छा लग रहा है। लग तो रहा है। क्या बात कर रहे हो, इसने तो सिर्फ आग ही जलाई है। ठीक है आज के लिए इतना काफी है। चलो खेलो ना खेलो ना। चलो अब पिक्चर बनाता हूँ, हजारों साल बाद जब ये किसी को मिलेगी तब ये बहुत महंगी दिखेगी। ये पेंटिंग देख के लोगों को लगेगा जैसे ये पेंटिंग आदि मानव ने बनाई है। Oh,
चीजें हर एक इंसान को बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। ऐसा नज़ारा हर किसी को देखने को नहीं मिलता। हम सचमुच बहुत ही किस्मत वाले हैं। आप खेत पर जा रहे हैं? ये लीजिए आपका खाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ध्यान से जाइएगा। और मैं भी अपने काम पर चलता हूँ। वापस आइएगा। लो, 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 लो। देखो, ये लोग इस तरह के माहौल में भी कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं। मुझे इनके पास जाना है। वैसे मन तो मेरा भी है जाने को। क्या कहते हो जियान? ठीक है, अगर तुम सबका मन है तो मैं भी चलूँगा। क्या सुनियो का घर यही है? शायद यही जगह है। वो देखो, वो रही उनकी नेम प्लेट। मेरे नए घर में तुम सबका स्वागत है। चलो चलो, अब अंदर आ जाओ। यहाँ पर मैं अपनी बर्थडे की रखी हुई है। मैं फिर से तुम्हें ये दे देता हूँ। पहले तुम्हें अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब तुम्हें ये अच्छा लगेगा। सुनियो, मेरे पास एक मनी बॉक्स है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। क्यों, कैसा लगा मेरा मनी बॉक्स? क्या तुम इसमें पैसे जमा करोगे? हाँ, इसे सोने की चीनी पहाड़ी लकड़ियों से खास मेरे लिए बनाया है दोस्तों। क्यों है ना खास? क्यों है ना ये कमाल का? शायद तुम्हें इस बार मेरी कुकीज अच्छी लगे। सुनियो, ये कुकीज तुम्हें सच में बहुत टेस्टी लगेंगी। कुकीज से याद आया, मैं अभी आता हूँ। पता है, ये कुकीज मम्मा ने बनाई हैं। ये ताजे दूध से बनाई गई हैं। इसको खुद मम्मा ने अपने हाथों से बनाया है। इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। क्यों, कैसा लगा मेरा मनी बॉक्स? क्या तुम इसमें पैसे जमा करोगे? हाँ, इसे सोने की चीनी पहाड़ी लकड़ियों से खास मेरे लिए बनाया है दोस्तों। क्यों है ना खास? क्यों है ना ये कमाल का? शायद तुम्हें इस बार मेरी कुकीज अच्छी लगे। सुनियो, ये कुकीज तुम्हें सच में बहुत टेस्टी लगेंगी। कुकीज से याद आया, मैं अभी आता हूँ। पता है, ये कुकीज मम्मा ने बनाई हैं। ये ताजे दूध से बनाई गई हैं। इसको खुद मम्मा ने अपने हाथों से बनाया है। इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। अरे ये क्या? ऐसी कुकीज तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगी दोस्तों। लोग खाकर देखो। मैं जानता हूँ तुम वही टिकट लेकर आए होगे जियान। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जरा इस पेपर को एक बार देखो। ये दुनिया का सबसे अच्छा पेपर है और इसको पूरी तरह से बिना केमिकल के बनाया गया है। जरा ये देखो, इसको हमारे घर में ही बनाया गया है। पता है, मेरे डैड अभी भी ये पेपर बना रहे हैं। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। डैड सुनिए, हम लोग आ रहे हैं। जियान, अगली बार जब भी तुम टिकट बनाओगे तो इसी पेपर से बनाना। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? लेकिन कहाँ जा रहे हो तुम? सब अब क्यों नाराज हो गए? अरे, मैंने पार्टी नहीं दी है अभी तक। सुनो, वापस आओ। दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? प्लीज वापस आ जाओ। ऐसा मत करो मेरे साथ, मत जाओ। हेलो सुनियो। अरे डोरेमोन, तुम आ गए। वो सब चले गए और मैं फिर से अकेला रह गया। डोरेमोन, सुनियो, क्या तुम ये बात समझे कि तुम अकेले क्यों हो? हाँ डोरेमोन, वो सब छोड़ो। और मेरे पास यहाँ पर दोबारा वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे अब समझ में आ चुका है कि मेरी गलती क्या है। प्लीज मुझे माफ कर दो दोस्तों, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। सामने ये जो डिब्बे रखे हैं, ये खास तुम लोगों के लिए हैं। प्लीज इन्हें रख लो। तुम अब भी गुस्सा हो? अरे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। मुझे माफ करना, मैं गुस्सा हो गई थी। माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। चलो आप डिब्बा खोल कर देखो। मुझे समझ आना चाहिए था कि तुम्हें यही सब चाहिए, इसलिए मैं खास तुम्हारे लिए ये सब लाया हूँ। ये सब मेरे डैड की कंपनी में बना है। जाओ रख लो, तुम भी क्या याद करोगे दोस्तों। हाँ, अरे नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो दोस्तों, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा नहीं है। तुम ऐसे नहीं,
मुझे लगता है सुनियो कभी नहीं सुधर सकता।